सरकार विकसित राजस्थान के सपने को संकल्प करने के प्रति कटिबद्ध। बैरवार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों का होगा समाधान, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है और रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये भरोसा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान दिलाया। बैरवा शनिवार से भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर संघ के संबद्ध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के 16वें त्रैवार्षिक प्रदेश अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पुष्कर के पारिकाश्रम पहुंचे थे। बैरवा का पुष्कर पहुंचने पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक के नेतृत्व में माला पहनाकर स्वागत किया गया। रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम डिप्टी बैरवा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और यात्रियों के हितों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि मैं उनके परिवार का ही सदस्य हूं। बैरवा ने कहा कि अब यात्री अपने बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला, बच्चों के परिजनों की लाइव लोकेशन भी देख सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए बेड़े में आधुनिक बस शामिल की जा रही है। सम्मेलन में कर्मचारी एकता को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिवेशन संयोजक आनंद सिंह नयाल ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हेमते ने किया। अध्यक्षता फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने की और मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा थे। इस दौरान भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के महामंत्री राजू भालेराव, भारतीय मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा, फेडरेशन प्रभारी विजय सिंह बाघेला, पुष्कर सभापति कमल पाठक सहित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पाठक का आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन भी किया गया। बताया जाता है कि रविवार 15 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे महिला कार्य सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य मनीषा मेघवाल अध्यक्षता करेंगी। अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख वंदना वजीरानी वक्ता होंगी। समापन सत्र 2:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री सीवी राजेश समापन वक्ता होंगे। पुष्कर में रोडवेज बस स्टॉप की समस्या का होगा जल्द हल। पत्रकारों ने डिप्टी सीएम के सामने पुष्कर में बसों के ठहराव नहीं होने और बस स्टैंड की समस्या उठाई। इस पर बैरवा ने कहा कि अधिकारियों से इस मामले में जवाब तलब किया जाएगा और यात्री भार को देखते हुए सभी सुविधाएं जल्द विकसित की जाएंगी। कच्ची बस्तियों में पट्टे की मांग। निवर्तमान पार्षद रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, सुरेश कुमार नागोरा, रामकरण मेघवाल, हेमराज तेजी, बुधवा राज नागोरा, संदीप पारशर, घनश्याम भाटी ने भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को कच्ची बस्तियों में पट्टा देने के लिए ज्ञापन भी दिया। शाम को कर्मचारी शहर में निकालेंगे रैली। फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष आनंद सिंह नयाल ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर के अंतर्गत शिविर में भाग लेने आए सैकड़ों कर्मचारी आज शाम पुष्कर शहर में विशाल रैली निकालेंगे। बताया कि पारिक आश्रम से रैली का शुभारंभ होगा, जो मुख्य मार्गों से होकर ब्रह्म चौक पहुंचने पर संपन्न होगी। इस मौके पर ब्रह्म चौक में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, निवर्तमान उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि, निवर्तमान पार्षद मुकेश कुमावत, कमल रामावत, धर्मेंद्र नागोरा, शंभू चौहान, धीरज यादव, महेंद्र सिंह कंगारोत, किसान मोर्चा अध्यक्ष घनश्याम भाटी, संदीप पारशर, भोलाराम गुर्जर, चीनू कुमावत, चेतन नायक सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परिवार के सदस्य हैं, जहाँ भी बुलाते हैं मैं उनके बीच में जाऊँगा और इनकी जो मांगे थी उनके मांगों में भी मेरा प्रमुख कर्तव्य है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजनलाल जी की सरकार हमेशा रोडवेज के क्या हर राजस्थान के हर कर्मचारी अधिकारी के लिए हम काम करना हम ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए आज इसमें कई बातें हुई और इन कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, उन मांगों को भी मैं जहां तक हो जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार जो 1 साल पूर्ण हो रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और जो विजन उसको संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान की एक कल्पना की है
और उस कल्पना के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में बजट दिया और उस बजट को धरातल पे उतारा है, और इतना ही नहीं कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए जो ये सरकार काम कर रही है, जो पिछली सरकार ने धोखा दिया उनको, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वैकेंसीज खोली, और राइजिंग राजस्थान जो इतना बड़ा मीट जो समिट हुआ है वो भी हमारे युवाओं के रोज़गार के लिए, राजस्थान की सुविधाएं, राजस्थान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा काम इस राजस्थान के लिए होगा। मैं मानता हूं कि उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से डिपार्टमेंट अलग से उन उद्योग लगाने वाले इन्वेस्टरों के लिए बनाया और उसमें उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए यह उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में आए। इस लक्ष्य को लेकर रात दिन हर क्षेत्र और हर कौम के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और हम सब मिलकर इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम सबका सहयोग और सबका साथ, सबका विश्वास। सर, पुष्कर सरोवर के अंदर नहीं रुकती, पुष्कर में बसें नहीं, हाँ, बसों की बड़ी समस्या है। आपने अभी बताया मुझे, अगर कहीं भी कोई बसें नहीं रुक रही है या बसों की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, आप मुझे बताइए, आपने आज मुझे पूछा है, लेकिन अगर यहाँ के कोई भी मुझे बताता, निश्चित रूप से अगर यहाँ कोई आवश्यकता है या यात्री भार आ रहा है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे लगवा। लेकिन बुकिंग नहीं है, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, बुकिंग भी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, कुछ बुकिंग नहीं है, यात्री भटकते रहते हैं चारों तरफ भटकते रहते हैं। अभी मैं अधिकारियों को कह के और यहाँ का पूरी समीक्षा ले लेता हूँ, कितना यात्री भार है और कितनी आवश्यकता है, मैं इसके बारे में अभी अधिकारियों से चर्चा करके निश्चित। सर, ज्यादातर बसें